मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड द रिसोर्स दैट इज लैंड ऑन विच वी लिव। जमीन जिस पे हम रहते हैं उसको एज अ रिसोर्स हम किस किस तरह से यूज करते हैं। सो दिस टॉपिक इज ऑन लैंड। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग लैंड। नाउ एज अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है कि लैंड कवर्स 30% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस। पूरी अर्थ में आप देखते हैं, अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो द ब्लू पार्ट इज ओशंस, ब्लू पार्ट ओशंस है, उसके अलावा नदियां हैं और बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं। अगर हम लैंड पार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड। एंड ऑफ दैट 30%, इस 30% में से भी बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो या तो खाली है या फिर उसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन है। सिर्फ 90% पॉपुलेशन जो है सिर्फ 30% लैंड पर है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ऑन 30% ऑफ द लैंड। नाउ देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। आप देख रहे ऑन द लैंड 30% ऑफ द लैंड एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय 90% ऑफ द पॉपुलेशन। आप अपने शहर में देखें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, अगर हम घूमते घूमते या गाड़ी से चलते हुए आपने देखा होगा कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कुछ जो बिल्कुल खाली नजर आते हैं। टॉक अबाउट डेजर्ट्स, डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड और एट सर्टेन प्लेसेस दे आर अनइनहैबिटेड। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं होती, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट एड्रेस टू दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द डिफरेंट फैक्टर्स आर लैंड एंड क्लाइमेट। लैंड, लैंड का मतलब है किस तरह की लैंड। आपने देखा होगा वेयर द लैंड इज फर्टाइल एरेबल, जहां पे खेती की जा सकती है, ऐसी लैंड में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जहां पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, जहां पे प्लेन लैंड होता है, जहां पे फर्टाइल लैंड होता है, जहां पे आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जहां पे मिट्टी मजबूत होती है, जहां पे आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं, इन दैट प्लेसेस द पॉपुलेशन इज वेरी हाई। बट देर आर सर्टेन प्लेसेस लाइक डेजर्ट्स। डेजर्ट एक ऐसा प्लेस होती है जो बिल्कुल सूखा होता है, जहां पे पानी कई कई किलोमीटर तक नहीं मिलता है। यू कैन नॉट मेक बिल्डिंग्स बिकॉज लैंड के धंसने का डर रहता है। तो इन दैट प्लेसेस द पॉपुलेशन इज रियली लेस, इज वेरी लेस। क्लाइमेट इज अनदर फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, द फैक्टर्स लाइक टू मच ऑफ रेन लाइक स्नोफॉल, द एरियाज दैट आर वेरी कोल्ड दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। जैसे पोलर एरियाज की अगर हम बात करें तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में कोई पॉपुलेशन नहीं है। द रीजन बीइंग दैट नो वन कैन लिव देयर, नॉर्मल लिविंग कंडीशंस नहीं है। साइबेरिया में लोग रहते हैं, साइबेरिया दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से है जहां लोग रहते हैं। बट इन दीज एरियाज दे माइग्रेट इन सीजंस, वो विंटर एरियाज में अपर एरिया में चले जाते हैं, सॉरी लोअर एरियाज में आ जाते हैं, और समर में वो अपर एरियाज में चले जाते हैं। तो उनको पूरा माइग्रेशन करना पड़ता है, अदरवाइज दे कैन नॉट लिव। सो दीज आर द फैक्टर्स, वी कैन डिवाइड देम इन लैंड एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कहीं की पॉपुलेशन कितनी घनत्व है, कितना उसकी डेंसिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन दीज टाइप ऑफ फैक्टर्स। कहीं पे स्टीप स्लोप्स हैं, मान लिया माउंटेन स्लोप्स हैं, उस पे रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि कहीं पे पानी इकट्ठा होता है, वाटर लॉगिंग की समस्या। वाटर लॉगिंग मतलब ऐसा नहीं कि मैं सड़क पे बारिश भी जाती है पानी भर जाता, ऐसा नहीं, ऐसा जहां पे कई कई मीटर तक पानी भर जाता है वहां पर कोई नहीं रहता। In that areas there is no population. Second is land use. Now, as land is the most important resource for us, land हमारे लिए बहुत important resource है, क्योंकि हम land पर रहते हैं, हम agriculture करते हैं, हम buildings बनाते हैं, and we do all our activities on land. So, there are many factors again that depends on which the land use depends. Land use किस किस factor पे depend करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। इसमें फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं आपके टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए टोपोग्राफी और सॉइल जहां पर सही होगा, टोपोग्राफी मीन्स आपका टेरेन कैसा है, आपकी लैंड ऊंची नीचे तो नहीं है। अगर आपकी लैंड बहुत ज्यादा ऊंची नीचे तो वहां पर कोई नहीं रहता, अगर माउंटेन्स है, स्टीप स्लोप्स है, वहां पर भी कोई नहीं रहता। आपने देखा होगा माउंटेन्स, इन माउंटेन्स द पॉपुलेशन इज वेरी स्पार्स, there are not much houses at a single place in mountains. Climatic factors, climate, again climate जहां पर बहुत adverse climate होता है वहां पर population नहीं हो सकती या बहुत ही कम population होती है।
इसके अलावा मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. नाउ मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल्स ज्यादा होते हैं, जहाँ पे सॉइल में मिनरल्स होते हैं वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है. अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वहां पर पॉपुलेशन नहीं होगी. जहां बंजर लैंड होगी वहां पर पॉपुलेशन नहीं होती. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. एज यू नो वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर. अगर वाटर कहीं पर नहीं है तो यू कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ लिविंग एट दैट प्लेस. हम सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह पर रहने का जहां पे पानी नहीं है. नाउ अगेन ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द लैंड यूज. ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं जो लैंड यूज को कंट्रीब्यूट करते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं आपके पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पर लैंड यूज भी ज्यादा होता है. फॉरेस्ट में पॉपुलेशन नहीं होती है वहां पर लैंड यूज नहीं हो सकता. डेजर्ट में पॉपुलेशन नहीं होती है वहां पर लैंड यूज नहीं होता. एंड टेक्नोलॉजी, अगेन टेक्नोलॉजी का आप यूज करके लैंड यूज कर सकते. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वी कैन नॉट यूज अवर लैंड. सपोज हमारे पास बहुत बड़ा लैंड है बट वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू कल्टीवेट इट. हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको कल्टीवेट करने की, उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लैंड के बारे में एक और चीज है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप लैंड कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट ओन लैंड और कम्युनिटी ओन लैंड. प्राइवेट लैंड का मतलब है जैसे हम घर बनाते हैं तो वी ओन इट प्राइवेटली, हम उसको प्राइवेटली ओन करते हैं. लेकिन कहीं पर गवर्नमेंट कुछ बनाती है जैसे सड़क बना दी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं बना दी, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी लैंड. कहीं पे पार्क बनाया गया तो पार्क में किसी एक आदमी का एकाधिकार नहीं होता, सिंगल पर्सन ओन्स दैट पार्क, सो इट इज कम्युनिटी लैंड. तो लैंड हैव डिफरेंट थिंग्स. वी लिव ऑन लैंड, वी हैव से व्हाई लैंड इज यूज, हाउ लैंड इज यूज एंड टू व्हाट एक्सटेंट लैंड इज यूज. So there are many factors. You have seen that in population, distribution of population and land use. There are factors like topography, soil, climate, minerals and availability of water. That on these factors, the population depends and on these factors, the land use depends. Land use bhi inhi factors pe depend karta hai aur population bhi inhi factors par depend karti hai. इसके अलावा population और technology, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर population और technology हमारे पास होती है. उन areas में we use technology to cultivate land. बड़े बड़े farm houses अगर हमारे पास है और technology नहीं है तो we cannot use that land, use that farm land or use that big land, huge land for any type of cultivation. Thank you. We'll continue in the next session.